हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राजविंदर कौर एंड आई कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माय सेल्फ एंड माय कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, टू ऑलवेज वेयर अ मास्क, फेस कवर स्पेशली वेन इन पब्लिक प्लेसेज, टू मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 feet फ्रॉम अदर्स, टू वॉश माई हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड थोरली विद सोप एंड वाटर. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 7th class students, we were reading our chapter number 4. That is ethics and safety measurements in computing. के हमें कंप्यूटर यूज़ करते टाइम, इंटरनेट यूज़ करते टाइम क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्या कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए. सो वी वर ऑन सॉफ्टवेयर पायरेसी. वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटरफिटिंग, ऑनलाइन पायरेसी. नाउ वी विल मूव टू वायलेशन ऑफ पायरेसी, कि जब हम पायरेसी की उल्लंघना करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, उसके रूल्स को हम तोड़ते हैं. सो एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्राइवेसी. प्राइवेसी सभी का अधिकार है. प्राइवेसी मीन्स आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए, उसे कोई और पर्सन लीक ना करे. ओके, दैट इज़ योर प्राइवेसी. आप एक रूम में रहते हो, आपका अपना कबर्ड है, सो दैट इज़ योर प्राइवेसी. ओके, आप नहीं चाहते कि आपके पर्सनल डायरी को देखे, दैट इज़ योर प्राइवेसी. सो इट इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन टू डिसाइड वेदर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड विद अदर्स और नॉट. सो ये आपका अधिकार है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर की जा सके या नहीं. इट इज़ अनएथिकल टू मेक अ नोट ऑफ द पासवर्ड ऑफ सम अदर पर्सनल ईमेल अकाउंट एंड लॉग इन टू देयर अकाउंट विदाउट परमिशन. सो अनएथिकल है, इलीगल है, जो एक तरह से कि किसी का पासवर्ड आप देखें और उसके अकाउंट में लॉग इन करें. सो वायलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो फर्स्टली व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू अ पर्सन ओवर हिज और हर क्रिएशन. ये राइट्स किसी पर्सन को दिए जाते हैं उसकी क्रिएशन के लिए, जो चीज़ उन्होंने बनाई है, इन्वेंट की है. अकॉर्डिंग टू IPR, द क्रिएटर हैज़ राइट टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग देयर वर्क विदाउट परमिशन. सो IPR के अकॉर्डिंग क्या है कि क्रिएटर, जिसने वो चीज़ बनाई है, इन्वेंट की है, उसके पास अधिकार है कि वो दूसरों को ये रोक सके. ठीक है, क्या किस चीज़ से रोक सके, कि वो उनका काम विदाउट परमिशन, विदाउट उनकी परमिशन यूज़ नहीं करे. ठीक है, जैसे कि आपका पेन है, पेंसिल है, सो आप चाहते हो कि जो लोग हैं अगर किसी ने यूज़ करना है तो पहले आपकी परमिशन ले. विदाउट परमिशन कोई उठा के उसको यूज़ करेगा, बहुत अजीब लगेगा. ओके, सो वैसे ही इट्स नॉट अबाउट द पेन और पेंसिल, ये उनके काम के लिए है, चाहे उस पर्सन ने कोई वीडियो बनाई है, ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट लिखी है, कुछ भी हो सकता है, कोई गेम बनाई है. ओके, एनीथिंग. हाउएवर दीज राइट्स आर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ओनली. बट ये राइट्स क्या है, एक प्रॉपर टाइम के लिए होते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं. देन नेक्स्ट इज ऑनिंग टू द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज ट्रेडमार्क, लोगोज, आर्टवर्क एंड सो आर इजीली अवेलेबल ऑनलाइन. सो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मतलब कि जब टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बढ़ गई है कि जो सारी चीज़ें हैं, कोई ट्रेडमार्क है किसी का, लोगो है, कोई आर्टवर्क है, ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं. टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ दिस क्रिएटिव वर्क, देयर वेबसाइट्स डिस्प्ले नोटिस स्टेटिंग दैट द अनऑथराइज यूज ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इलीगल. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं, कोई भी किसी का भी लोगो उसकी इमेज से उठा के यूज़ कर सकता है, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके अपने लोगो होते हैं ना, तो हम कुछ भी करके इंटरनेट से उठा लेते हैं उनके लोगो और यूज़ कर लेते हैं. ओके, हम तो सिंपल काम के लिए यूज़ करते हैं कि हमने किसी पेज पे यूज़ कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, लेकिन लोग उसको इलीगली भी यूज़ करते हैं. तो वो जिन साइट्स पे अवेलेबल होती हैं, मोस्टली उन साइट्स पे क्या होता है, एक नोटिस दिया जाता है कि इसका अनऑथराइज यूज़, मतलब इसकी परमिशन को बिना उस लोगों को, ट्रेडमार्क को यूज़ करना, आर्टवर्क को यूज़ करना, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, वो इलीगल है. ओके, सो फर्स्ट कौन सी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी, कॉपीराइट. कॉपीराइट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर हैव ओवर देयर कंटेंट्स और आर्टिस्टिक वर्क. सो कॉपीराइट क्या है, एक अधिकार है जो यूज़र को दिया जाता है, क्रिएटर को दिया जाता है उसकी क्रिएशन के लिए, ठीक है, कोई भी क्रिएशन हो सकती है, आर्टिस्टिक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गिवन टू द फोटोग्राफर्स, ऑथर्स, आर्किटेक्ट्स, पब्लिशर एंड मोर म्यूजिक कंपोजर्स, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड सो ऑन. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
इन लोगों को दी जाती है ये राइट। ओके, किसी ने अपनी कोई फोटो शूट की है वो उसका पेटेंट करवा सकता है। द टर्म कॉपीराइट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स कॉपी एंड राइट विच मीन्स ऑल राइट रिजर्व्ड, कि इसकी कॉपी के जो राइट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं, आप इसकी कॉपी करके उसको सेल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एक लाइसेंस होता है इसके लिए। सो आपने अगर कुछ बनाया तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हो, तो वो आपका कॉपीराइट बन जाता है। नेक्स्ट इज सम इंफॉर्मेशन इज देयर दैट द सिंबल दिस सिंबल इज यूज टू डोनेट दैट द वर्क इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। आप कोई म्यूजिक वीडियो की सीडी खरीदते हैं, जो कुछ कोई मूवी की खरीदते हैं, वीडियो गेम की खरीदते हैं, उस पर कई बार CSA डाला होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, द राइट टू कॉपी इज जनरली हेल्ड बाय द पर्सन और कंपनी हुज नेम फॉलोज दिस सिंबल। सो जो उसका राइट है, उसका अधिकार है, उस कंपनी जो उस पर्सन के पास होता है जो इसका नेम इसके आगे लिखा हुआ होता है। सो इट वॉज फर्स्ट यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1909। सो ये अमेरिका में फर्स्ट यूज की गई थी। आपकी जो कंप्यूटर की बुक है इसके लास्ट में भी देखो यहाँ पे कॉपीराइट का निशान है और इसके आगे कंपनी का नेम लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑल राइट रिजर्व्ड। ओके, किसके सारे राइट्स रिजर्व्ड हैं, आप इसको कॉपी नहीं करवा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज देयर इज नो नीड टू कंसिडर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्क यू आर डूइंग ऑन अ कंप्यूटर, दिस इज फॉल्स। कि आपको, आप कोई भी काम कर रहे हैं आप उसका नतीजा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उसके सामाजिक नतीजे जो निकलेंगे, जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ फॉल्स। आपको सोचना पड़ेगा पहले कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं ये पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज, इसके कोई गलत नतीजे ना निकले, किसी पर इसका गलत प्रभाव ना पड़े, दिस इज़ इन योर हैंड। ओके, इट इज़ इम्प्रॉपर टू यूज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, दिस इज़ ट्रू। पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना इम्प्रॉपर है, गलत है। द फाइल्स इन एनी कंप्यूटर पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज़ फॉल्स। अगर आपके कंप्यूटर की फाइल है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी परमिशन के बिना अगर उसको कोई छेड़ेगा, उसको कोई अपलोड करेगा, ओपन करके देखेगा, तो डैट विल बी इलीगल। स्प्रेडिंग वायरसेज और एनी हार्मफुल प्रोग्राम इन कंप्यूटर इज़ अनएथिकल। सो कंप्यूटर में किसी में भी वायरस फैलाना या अनएथिकल प्रोग्राम उनमें डालना वो अनएथिकल है, इलीगल है, दिस इज़ ट्रू। सो इन आर नेक्स्ट AV वी विल रीड अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।